नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने तोहफे के तौर पर देखा जा सकता है। राजभर इन दोनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसने के लिए भी सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि जल्द ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा में जवान तैनात होंगे। वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में एक और फिर से अटकलें नजर आ रही हैं। योगी सरकार ने सुभाषपा अध्यक्ष और जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर को शासन ने वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, जिसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनिए। सर्वप्रथम देश के सर्वोच्च स्थान पे पहली आदिवासी महिला के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति चुनाव जीती है, सर्वप्रथम हम लोग उनको बधाई देते हैं। और कहीं ना कहीं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जो लेटर में सुझाव के रूप में दिया था और कहा भी था कि जो भी सच्चा समाजवादी होगा वो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा जी के खिलाफ में जाकर के वोट देगा, क्योंकि सच्चे समाजवादी वही लोग थे जो लोग नेताजी के अपमान का बदला लेने का समय था और नेताजी के अपमान जिन्होंने किया था उनके खिलाफ जाकर के लोगों ने वोट किया। तो समाजवादी पार्टी में अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो ये सच है कि लोगों ने नेताजी के अपमान का बदला लिया और सच्चे समाजवादी होने की पहचान कराई। नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। आज भी सुभाषपा के जो समर्थक हैं जिलों में, क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसकी उनके प्रति सोच अच्छी नहीं है, जिसकी सोच ही जातिवादी है, जो जाति विभेद के आधार पर अंतर करता है, द्वेष रखता है, जो बार बार आक्रामक हो जाता है, क्या उसकी सबकी मानसिकता बदल जाएगी? न तो सुभाषपा के समर्थकों को कोई जिलों में इस तरह की राहत होने वाली है, नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का चरित्र बदलने वाला है या उनकी जो सोच है वो बदलने वाली है। सरकार ने उन्हें सुरक्षा दे दी, हमारी शुभकामनाएं, वो सुरक्षित रहें, लेकिन जिलों में जिस आधार पे पीड़ित शोषित वर्गों का अन्याय अत्याचार होता रहा है उससे वैचारिक रूप से लड़ा जाएगा और वैचारिक रूप से जो उनके साथ है वही लड़ पाएगा। और इससे पहले भी राजभर जी भाजपा के साथ अलायंस में थे, अगर उनके गठबंधन में जाने से सारे लोगों की समस्याएं सुलटती तो उन्हें बाहर ही नहीं निकलना पड़ता। वो तो दूसरी बार जा रहे हैं, कोई पहली बार थोड़े जा रहे हैं। अभी तो केवल वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है उन्हें, इससे पहले तो कैबिनेट मंत्री खुद थे, परिवार में भी दो तीन लोगों पर लाल बत्ती थी, पार्टी के भी तीन चार लोगों पर थी, तब अपने समाज का भला नहीं कर पाए और लोगों को आप लोगों के बीच में लंबी उन्होंने लड़ाई लड़ी कि समाज के साथ अन्याय हो रहा है। तो दो नेताओं के मिलने से वो अन्याय खत्म नहीं होगा, वो सोच और विचार बदलने से अन्याय खत्म होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की न ये क्षमता है न उनकी इच्छा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की दलित बैकवर्ड बेरोजगार किसान मजदूर इनके प्रति मानसिकता बदल सके। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का सिर्फ एक चरित्र बचा है कि सत्ता के बिना वो रह नहीं सकते। पहले सत्ता से ही यारी की होशियारी दिखाते हुए समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली नहीं, भाजपा के पाले में रह गई, तो अब वो मुख्तार अंसारी जी के साथ मिलकर भाजपा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक शिवपाल यादव जी का सवाल है या बहुजन समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन का सवाल है, ये तय था पहले से ही चुनाव में ही कि पर्दे के पीछे इन सबकी आपस में साझेदारी है, हिस्सेदारी है, मिलीभगत है, सभी भाजपा के ए बी सी डी हैं। और अगर उसको ओम प्रकाश राजभर जी अब खुल के कह रहे हैं तो ठीक है, जमाने को भी पता चल जाए कि ओम प्रकाश राजभर की रिश्तेदारी किससे है और शिवपाल यादव की रिश्तेदारी किससे है। और मुख्तार अंसारी जी का भी जो मामला ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, अगर मुख्तार अंसारी ने वो बात स्वयं कही है तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि ईडी सीबीआई पुलिस के दम पर जो सबको दबाने का खेल चल रहा है उसमें मुख्तार अंसारी ने भी धनुआ बाण रख दिया।
वहीं फरुखाबाद में एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी हिस्ट्रीशीटर बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल बदमाश को पुलिस ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया है। श्रावस्ती में अनियमितता के आरोप में ग्राम पंचायत सचिव पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ग्राम पंचायत सचिव ओंकार नाथ पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम पंचायत कटकुइयां कला और मोतीपुर कला के सचिव हैं ओंकार नाथ। डीपीआरओ आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज कराया। सरकारी धन में अनियमितता के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। बुलंदशहर के क्षेत्र खुर्जा कोतवाली नगर में मामूली मेरा नाम राकेश कुमार युवा जिला अध्यक्ष। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उपस्थित डॉक्टरों ने तत्काल प्रभाव से घायल युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। युवक पर चाकू से हमला करने को लेकर परिजनों ने सभासद के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा नाम राकेश कुमार युवा जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। अच्छा, किस वजह से थाना खानपुर में आए हैं? हम आए हैं कि नगर प्रधान में जो घटना करवाई है आज एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने मौके पर थे और ग्राम प्रधान को कुछ दबंग आदमियों ने पीटा और वहां से फरार हो जाना और प्रधान को एक बुरी हालत में छोड़कर वो भाग गए। ना तो वहां पर पुलिस पहुंची और ना कोई पहुंचा। अच्छा, वहां क्या हो रहा था, किस चीज़? वहां पर हो रहा था कि जो पंचायत घर बनाया जा रहा था वहां पे कम से कम 62 से एक चकोर बंद है जो कागज में भी दर्ज है, उसको खुलवाने के लिए तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब आए थे, लेकिन वो उसी के कारण वहां पर झगड़ा बन गया और प्रधान को मार पिटाई कर दी। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र खुर्जा में स्थित ग्राम सूरजावली के वायरल वीडियो में एक विद्युत कर्मी ने बिजली मीटर लगाने को लेकर अवैध वसूली के रूप में 500 रुपए मांगे हैं। ग्रामीणों ने विद्युत कर्मी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। गांव में पहुंचकर विद्युत विभाग के नाम पर अवैध वसूली करता हुआ एक कर्मी पाया गया है। विद्युत कर्मी ने 1,000 रुपए के काम को 500 रुपए में करने की बात कही है। वायरल वीडियो में दबंगई करता हुआ युवक पाया गया है। बुलंदशहर में थाना क्षेत्र आहार के ग्राम बामनपुर में अपने खेत में घास काटता एक किसान की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ही किसान की मौत हुई है। मैनपुरी में युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। वैगनार गाड़ी के पास मृतक का शव पड़ा मिला। एसबीआई बैंक के सीएसपी पॉइंट पर संचालन करता था। बीती रात थाना दनहार के चौहरी नगर पुल के पास का ये पूरा मामला। अलीगढ़ जिला अस्पताल मलकान सिंह में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों को काटकर घायल कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया। नगर निगम के अधिकारी को इस मामले में अवगत कराया गया है। अलीगढ़ में नगर निगम पर रोजी रोटी छीनने और बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए 90 व्यापारियों ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी। संबंध में जिलाधिकारी को रजिस्ट्री कर मृत्यु पूर्व बयान भी भेजा गया है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारी गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को ज्ञापन भी सौंपते हुए नजर आए थे। मथुरा में गुरुवार रात करीब 11 बजे फरहा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां दो बदमाशों को गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों सहित 4 को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश भागने में सफल रहा है। आगरा में भोजपुर स्टार आनंद ओझा की फिल्म रण रिलीज हुई है। भोजपुर स्टार आनंद ओझा आगरा में ट्रैफिक इंस्पेक्टर अभिनेता आनंद ओझा ने मुख्य भूमिका में सैनिक का फिल्म में किरदार निभाया है। एक्शन कॉमेडी से भरपूर है मूवी। भोजपुर स्टार आनंद ओझा आगरा के हीरा टॉकीज में पहुंचे।
मथुरा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लाखों रुपए की अवैध शराब जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराई है। मथुरा न्यायपालिका के निर्देश में अवैध शराब को गड्ढा खुदाकर नष्ट कराया गया। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना हाईवे में अवैध शराब से भरे हुए ट्रक में शराब उतरवाकर उसको नष्ट करने की कार्रवाई की। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 17 वर्षीय किशोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक किशोर के पिता ने गांव के ही किशोर पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। फिलहाल घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 30 किलोमीटर दूर गरम पानी क्षेत्र के खैरना चौकी के अंतर्गत एक चलती कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। पुलिस ने जैसे तैसे कार में सवार दो लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला और कार पूरी जलकर खाक हो गई। बिजनौर में सीबीएसई की 12वीं की मेधावी छात्रा ने जनपद बिजनौर में बाजी मारी है। गीताची गुप्ता ने 12वीं क्लास में 99.4% अंक प्राप्त हुए हैं। शुभचिंतकों का छात्रा के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। LRS अकादमी नगीना में छात्रा पढ़ती थी। सीजीएम कोर्ट में अधिवक्ता से मारपीट करने वाले अधिवक्ताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 20 जून को सीजीएम न्यायालय में पेशी के दौरान पैगंबर साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में बहस के दौरान अधिवक्ताओं ने मारपीट की थी। सदर कोतवाली में दर्ज कराया गया था मुकदमा। मारपीट करने वाले अधिकारियों ने गिरफ्तारी के डर से उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।